जिससे सदन की कार्यवाही कुछ समय तक के लिए बिना विपक्ष के ही चली। पीठ ने प्रश्नकाल के बाद सदन की कार्यवाही कल तक के लिए 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी, लेकिन जमकर इस वक्त सदन के बाहर सड़क पर संग्राम हो रहा है और धरने पर बैठे विपक्ष के नेता जमकर आग बबूला हो रहे हैं। मुद्दे की बात करेंगे इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द कि आखिरकार क्या सत्ता पक्ष को सीधे तौर पर अब 11 भारी पड़ रहे हैं। उम्मीद तो यह थी कि शीतकालीन सत्र के दौरान सदन के भीतर हंगामा होगा, विपक्ष आग बबूला होगा, सवालों के प्रहार होंगे और आरोपों के तीर छोड़े जाएंगे, लेकिन यह इल्म नहीं था कि सदन के बाहर सड़क पर भी सियासी संग्राम विधायक छेड़ेंगे। यही हुआ सत्र के दूसरे दिन। सदन की कार्यवाही 11 बजे सुबह ठीक शुरू हुई, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ वो इस वक्त सूबे की सियासत में इससे पहले बहुत कम देखा गया। शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन जो तस्वीरें सामने आई वो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। करण महाराज से अभद्रता और उसके बाद सुरक्षा कर्मियों के साथ नोकझोंक, सत्ता पक्ष के खिलाफ विपक्ष के नेता धरने पर, सस्पेंड करने की मांग और किस तरह से मदन कौशिक पहुंचे करण महाराज के पास और किस तरह से अपनी नाराजगी का इजहार करण महाराज ने किया, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष के साथ साथ तमाम सहयोगी विधायक करण महरा के वहां पर पहुंचे थे, प्रकाश पंत तक वहां पर पहुंचे, लेकिन करण महरा मानने को तैयार नहीं थे। इसके साथ साथ हरीश धामी हो या फिर राजकुमार हो या फिर तमाम साथी विधायक उनके साथ धरने पर बैठ गए। वॉकआउट कर दिया गया सदन का विपक्ष की तरफ से और प्रश्नकाल चलता रहा और सवाल यह खड़ा हुआ कि आखिरकार बिना विपक्ष के किस तरह से यह सदन की कार्यवाही चल रही है। मान मनोवल का दौर चला और सीधा रुख करेंगे प्रियांक वशिष्ठ वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं विधानसभा के बाहर से। प्रियांक, क्या कुछ हालात इस वक्त, क्या कुछ स्थिति? तिलक, सबसे पहले तो मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा यहाँ कि आप देख सकते हैं कि विधानसभा का मुख्य द्वार है। यहाँ तमाम कांग्रेसी विधायक जो हैं वो सुबह करीब 10:40 से धरने पे बैठे हुए हैं। जो पूरा घटनाक्रम हुआ वो 10:40 से शुरुआत हुई जब उपनेता प्रतिपक्ष करण महरा जो विधानसभा का वाहन था उसके उस वाहन के जरिए विधानसभा में आ रहे थे, तो इनका ये कहना है कि सुरक्षाकर्मियों द्वारा उनके साथ अभद्रता की गई, उनको रोका गया। उसके बाद उसी समय उसके कुछ 5 मिनट बाद मदन कौशिक सत्र के लिए जा रहे थे तो उन्होंने बात करने की कोशिश की, लेकिन जो पूरा घटनाक्रम रहा उसको लेकर तमाम जो कांग्रेसी विधायक थे या खुद करण महरा थे वो बहुत उसमें उनमें आक्रोश था और जो उनका ये आरोप था कि विधायक के तौर पर जब वो सदन में दाखिल हो रहे हैं और सदन चल रहा हो तो एक विशेषाधिकार हनन का भी मामला बनता है। तमाम ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, आप उनसे ही जानेंगे एक एक करके कि किस तरीके से पूरा घटनाक्रम रहा। करण भाई, किस तरीके से पूरा आप देखते हैं पूरा घटनाक्रम जो रहा आज का, सुबह 10:40 से अभी तक का सदन अब स्थगित करना पड़ा, कैसे देखते हैं? देखिए, मैं सदन की कार्रवाई में भाग लेने के लिए जब घर से आया, गेट पे पहुंचते ही मुझे पुलिसकर्मियों ने, अगर विधानसभा के कर्मचारियों ने नहीं, पुलिसकर्मियों ने रोका और मुझसे गाड़ी से उतरने के लिए कहा। मैंने कहा भाई मैं विधानसभा में कार्रवाई में जा रहा हूँ, विधायक हूँ। उन्होंने कहा हम तुमको नहीं जानते भाई, हम नहीं जाने देंगे और गाड़ी का पास दिखाओ। मैंने कहा गाड़ी विधानसभा सचिवालय की है, क्यों, मैं आश्वासन समिति का अध्यक्ष भी हूँ, तो सरकारी गाड़ी थी, विधानसभा की गाड़ी थी, उसके बाद भी रोका गया। मुझे लगता है कि सरकार ने जानबूझ के ये करवाया है क्योंकि आज बहुत महत्वपूर्ण विषय लगे थे, लोकपाल की नियुक्ति को लेकर विषय था, आज जिला प्राधिकरण को लेकर विषय था, आज गन्ना किसानों के मूल्यों के भुगतान को लेकर विषय था और अन्य कई महत्वपूर्ण विषय आज सदन में उठने थे नियम 58 और 310 के तहत, तो मुझे रोका गया। और मेरा ये भी प्रश्न है कि अगर विधायक विधानसभा में ही नहीं पहुंचेंगे तो सदन चलेगा कैसे? और आज ये काले दिन के रूप में मैं इसको देखता हूं क्योंकि आज ये पहली बार इतिहास में हुआ है राज्य बनने के बाद कि कोई सदन की कार्रवाई बिना विपक्ष के एक भी विधायक के चली। महाराज जी, आप लोग लगातार बात कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? अब आश्वासन जो आपको बार बार दिए जा रहे थे, विधानसभा सचिव जगदीश चंद्र खुद यहाँ आए, विधानसभा के और जो आला अधिकारी थे वो आए, संसदीय कार्य मंत्री आए, किस तरीके से वार्ता चली, अभी क्या स्थिति है? देखिए, ये सारी चीज़ों को अगर मैं समझाऊं तो कल जिस तरीके से हरक सिंह रावत जी ने अपने शोक संदेश में नरेंद्र तिवारी जी के बोला
कि उन्होंने 28 विधायकों को लेकर सरकार को गिराने की कोशिश की थी, उसमें भगत सिंह कोश्यारी जी और प्रमोद महाजन जी से मेरी बात हो गई है, उन्होंने स्वीकार किया है सदन के अंदर। और 2016 में जिस तरीके का भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कांग्रेस के कुछ विधायकों के संग मिलकर सरकार गिराने का षड्यंत्र किया, ये साबित करता है कि इनका लोकतंत्र पर कोई विश्वास नहीं। आज भी सदन में महत्वपूर्ण विषयों से सरकार की छीछा लेदरी ना हो इसलिए विधायकों को अंदर आने से रोका है। लोकपाल की नियुक्ति को लेकर सरकार पहले ही कटघरे में है, समिति ने लोकपाल की नियुक्ति का रास्ता साफ किया, सरकार ने उसको टालने के लिए प्रवर समिति को भेजा, प्रवर समिति ने भी। जरा करण महाराज से ये पूछिए कि आखिरकार वो चाहते क्या है आप, क्या हो? कांग्रेस के लोगों ने, साथियों ने प्रश्न उठाया था तो उससे बचने के लिए सरकार ने सारा षड्यंत्र रचा है। करण भाई, अब आप आगे क्या मांग है आप लोगों की, क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं इस चीज़ ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। पिछले बार किशोर उपाध्याय जी के संग बदतमीजी की गई, कल राजकुमार विधायक जी हैं उनके साथ की गई, आज मनोज रावत जी और भी मेरे साथ ही बदतमीजी की गई। विपक्ष के विधायकों के साथ जो दोहरा व्यवहार किया जा रहा है, गलत व्यवहार किया जा रहा है, इससे बचना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र है, सरकारें आती और जाती हैं, कल किसी दूसरे की सरकार आएगी, ये नजीर बनेगी, तो लोग विपक्ष के विधायकों के संग इस तरह के विधानसभा अध्यक्ष कह रहे हैं कि सुरक्षा कर्मियों ने वही किया जो उनको करना चाहिए था, बहुत ही बुरा असर इसका आने वाले समय में पड़ेगा। बिल्कुल तिलक, इसके बाद जैसे कि आपने पूरे जो घटनाक्रम को सुना, जो करण महाराज का कहना था कि आज कई महत्वपूर्ण प्रश्न 310 के तहत चर्चा की मांग कर रहे थे, लोकायुक्त जैसे गंभीर मुद्दे को लेकर, ये एक सुनियोजित लग रहा है ताकि सरकार ये चाहती थी कि प्रश्नकाल में भी कई महत्वपूर्ण जो प्रश्न उठने थे वो ना आए। कुछ और विधायक हमारे साथ मौजूद हैं तिलक, उनसे बात करेंगे। हरीश धामी जी, धामी जी आप कैसे देखते हैं पूरा जो घटनाक्रम रहा है, क्या मानते हैं और आगे क्या मांगे आप लोग? देखिए, ये एक साजिशन के तहत है। नेता प्रतिपक्ष का जो है, प्रतिपक्ष के उप नेता करण मेहरा जी को जिस तरह से रोका गया, और उससे बड़ी चिंता की बात है कि विधानसभा सचिवालय की गाड़ी, उसके ड्राइवर पर भी पास है, सब कुछ है, और गाड़ी में सरकारी नंबर, उसके बावजूद भी उनको रोकना और उनके साथ दुर्व्यवहार करना, यह कहीं ना कहीं जो है यह जताता कि भाई पुलिस वाले की इतनी बड़ी हिम्मत तो हो नहीं सकती। किसी न किसी के इशारे पर यह किया गया है, और ये जानबूझ के किया गया है क्योंकि आज सदन में जो है 310 में लोकायुक्त का मामला था। कब तक धरने पर बैठेंगे पहली बात, और दूसरी बात इनसे ये पूछिए कि अगर विपक्ष गन्ना किसानों का मामला सदन के बाहर यूं संग्राम काटेगा तो सदन के अंदर कौन काम करेगा, और तीसरी बात अगर जो सत्ता पक्ष चाहता था फिर तो वही हुआ, ये लोग बाहर बैठकर जो है धरना दे रहे हैं और अंदर जो आवाज उठानी चाहिए थी वो मुद्दे तो कौन हो गए? देखिए तिलक, सबसे पहले मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि अभी जो वार्ता का क्रम है वो जारी है, विधानसभा अध्यक्ष के यहाँ जो नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश हैं वो मौजूद हैं, साथ ही जो प्रीतम सिंह हैं प्रदेश अध्यक्ष वो मौजूद हैं, और उनके साथ ही गोविंद सिंह कुंडवा जो वरिष्ठतम विधायक भी हैं अभी विपक्ष में और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं। ये वार्ता का क्रम चल रहा है, और अभी जो ये कहा जा रहा है कि जो पूरा जिस तरीके से अब वार्ता होगी उसके बाद ही ये पूरा जो धरना है वो समाप्त किया जाएगा। फिलहाल मैं यह तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि और जो जैसे ये सूचना जो है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पहुँची तो तमाम कांग्रेसी और कार्यकर्ता भी यहाँ पहुँच गए, और जो पूरा जो बात है जो इनके समर्थन को लेकर जो नारेबाजी है वो अब विधानसभा गेट के सामने ही करने लग गए। कुछ और लोगों से बात करते हैं। मनोज भाई, आप बताइए, आपका भी ये कहना था कि आपकी गाड़ी भी रोकी गई थी कल, अब आज भी रोकी गई है, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, विधायक का ये विशेषाधिकार है कि वो विधानसभा में आए, इसीलिए वो चुना जाता है क्षेत्र और राज्य की समस्याओं को रखने के लिए, मुद्दों को रखने के लिए। मुझे ये लगता है कि किसी पुलिस इंस्पेक्टर या सिपाही की यह हैसियत नहीं कि वो किसी विधायक को रोके, ये एक सुनियोजित षड्यंत्र है जिसमें बहुत ही शीर्ष अधिकारी और राजनेता, सरकार मैं कहूँगा कि सरकार सम्मिलित होगी, क्योंकि सरकार को अंदेशा था कि नियम 310 में जो चर्चा होनी है और उस चर्चा में कई महत्वपूर्ण खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पिछले 3 महीनों से राज्य में भारतीय जनता पार्टी संगठन और सरकार के कई ऐसे कामों का खुलासा हुआ है जिनके लिए एक सही पटल विधानसभा का पटल था, और कोई भी बात विधानसभा में किसी नियम के तहत रखी जाती थी जा सकती है, और आज नियम तीन। मेरा सवाल ये भी है कि जब आप लोग विधानसभा सत्र चल रहा है और बाहर धरने पे बैठे हैं, क्या आपको नहीं लगता है ये समय भी जाया हो रहा है जो सदन में जो महत्वपूर्ण विषय प्रदेश को लेकर विपक्ष उठाना चाहिए थे? देखिए, विधायिका का सम्मान
सबसे बड़ा है, क्योंकि अगर लॉ मेकर्स के साथ ये व्यवहार हो रहा है तो आप ये कल्पना कर सकते हैं कि यहाँ से 300-400 किलोमीटर दूर पिथौरागढ़ और धारशुला और चमोली के क्षेत्र में कानून व्यवस्था क्या होगी अगर विधानसभा के भीतर लॉ मेकर विधायक को सबसे ज्यादा अधिकार विधानसभा अध्यक्ष के पास है और विधानसभा अध्यक्ष क्यों नहीं चाहेंगे कि भैया विधायक अंदर आए और विधायक विपक्ष के नेता अंदर आकर उन सवालों को उठाएं जो जनता के हित में है। मैं विधानसभा अध्यक्ष की बात कर रहा हूं। देखिए तिलक, जो बात ये बात हमने पहले भी इस बात को लेकर पूछा था, जो विपक्ष के विधायक हैं उनका ये कहना है कि सरकार ये नहीं चाहती है, क्योंकि जब विधानसभा अध्यक्ष के पास ये सबसे पहले सूचना गई, उसके बाद पहले तो एक जो शुरुआती एक घंटे का दौर था, पहला जो समय था उसमें इस बात का क्लियर नहीं हो पाई थी कि किस सुरक्षाकर्मी द्वारा रोका गया, क्योंकि गेट के बाहर पुलिसकर्मियों की ड्यूटी रहती है, जबकि गेट के अंदर की अगर हम बात करें विधानसभा के मुख्य द्वार के अंदर तो सचिवालय विधानसभा सुरक्षा प्रशासन जो होता है वो कर्मचारी यहाँ मौजूद रहते हैं। उसके बाद मान मनोबल का दौर शुरू हुआ, तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो बीच में आए, संसदीय कार्य मंत्री प्रकाश पंत खुद यहाँ जो मनाने के लिए आए, विधानसभा के सचिव जगदीश चंद हैं वो भी यहाँ आए, लेकिन जो मांग है अब जो विपक्ष के विधायकों की वो एक ही है कि सबसे पहले जो कर्मचारी थे जिनके द्वारा ये अभद्रता की गई उनको सस्पेंड किया जाए, क्योंकि लाइन हाजिर का किसी तरीके से जो लाइन हाजिर का आश्वासन दिया जा रहा है। एक और इसी विधानसभा का इतिहास थोड़ा पन्ने पलट के बात करते हैं। जिस विधानसभा के इतिहास का जिक्र यहां के विधायक कर रहे हैं माननीय विधायक, कई ऐसे भी विधायक रहे जिन पर दंगे के आरोप लगे और रूप बदल के बहरूपिये के रूप में इसी विधानसभा के अंदर भीतर घुसते हैं और फिर फोटो खिंचवाकर अपलोड करते हैं फेसबुक पर। मेरा सवाल बिल्कुल सीधा है कि आखिरकार इस धरने के जरिए विपक्ष हासिल क्या करना चाह रहा है? बिल्कुल, ये तमाम अब जो उपनेता प्रतिपक्ष हैं उनसे ही हम ये सवाल पूछेंगे। करण भाई, एक सवाल ये है कि पिछली बार जब आपकी सरकार थी भाजपा के एक विधायक थे, उसको भी विधानसभा में आने नहीं दिया गया, फिर वो ये हमारे सहयोगी लगातार बने हुए थे हमारे साथ, जो बता रहे थे कि आप भी धरना जारी है और धरने के दौरान किस तरह से धमाल मचाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। पहले जो है संसदीय कार्य मंत्री पार्टी के नंबर टू कहे जाने वाले, सरकार के नंबर टू कहे जाने वाले प्रकाश पंत तक आकर उनसे मुलाकात करते हैं, उनको मनाने की कोशिश करते हैं और सीधा रुख करें एक बार फिर से प्रियांक हमारे साथ जुड़े हैं। प्रियांक, और विधायक होने के बाद भी सरकारी गाड़ी से पास मांगा जाए और विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने वाली है, ऐसे मौके पर विधायकों को बाहर रोका जाए तो ये सही नहीं है, क्योंकि मैं पहली बार का विधायक नहीं हूँ, मैं पहले भी विधायक रहा हूँ, उपनेता प्रतिपक्ष भी हूँ, आश्वासन समिति का अध्यक्ष भी हूँ, तो ऐसा नहीं। अगर कर्मचारी, सुरक्षा कर्मचारी केवल 70 लोगों को नहीं पहचान पा रहे हैं तो ये अफसोसजनक, और फिर मैं कह रहा हूँ कि मैं विधायक हूँ, भाई ज़्यादा से ज़्यादा मुझसे कहते हैं आप विधायक का कार्ड दिखा दीजिए तो भी काम चल जाता, लेकिन गाड़ी से उतारना उसके विधानसभा अध्यक्ष की साजिश है या फिर सरकार की साजिश है, किसके कहने पर हुआ? जब कुकरेती थी और सब लोग आए उसके बाद एक पुलिस के बड़े भाई, आप किसको दोषी मानते हैं, सरकार को इसका दोषी मानते हैं साजिश जो आप कह रहे हैं या विधानसभा प्रशासन की गलती है, किसको मानते हैं आप? देखिए, जब शासन प्रशासन कोई अच्छा कार्य करता है उसका श्रेय सरकार को मिलता है, और जब सरकार के मातहत कर्मचारी कोई गलत काम करते हैं उसका भी पूरा दोष जो है सरकार के ऊपर जाएगा। भाई क्या कारण है कि विधायकों को इतने महत्वपूर्ण दिवस में, जब केवल 3 दिन की, आपने पहले तो सत्र लंबा होना चाहिए कि केवल 3 दिन का सत्र बुलाया जा रहा है, उसमें से भी आप उस सत्र में विधायकों को नहीं जाने दे रहे हैं तो फिर ऐसा सत्र बुलाने की जरूरत क्या है? मुख्यमंत्री के कहने पर हुआ सदन चलेगा क्या, विशेषाधिकार हनन के तहत आप लोग इस बात को लाएंगे? देखिए, अभी हमारे कुछ सीनियर्स वहां गए हैं अंदर वार्ता के लिए, मुझे भी बुलाया गया था, नेता प्रतिपक्ष जी, हमारे अध्यक्ष जी और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष जी अंदर गए हैं, वार्ता के बाद वो क्या लेके आते हैं उसके बाद हमारी पूरी विधायक मंडल दल बैठेगा और हम निर्णय करेंगे कल क्या करना है। अगर अंदर जाना होगा तो निश्चित ही विशेषाधिकार हनन में नोटिस भी देंगे, और क्योंकि ये नज़ीर नहीं बननी चाहिए, लगातार विधायकों को रोका जा रहा है अंदर जाने से और वो भी विपक्ष के। अभी अगर आप चाहें मैं आपको भी निवेदन करता हूँ, अंदर जाके कैमरा घुमाइए, कई ऐसी गाड़ियाँ अंदर खड़ी हैं जिनमें अभी भी पास नहीं है, तो विधायकों की गाड़ियाँ नहीं जा सकती, लेकिन जो कारोबारी लोग हैं उनके दलाल अंदर घूम रहे हैं उनको देखने वाला कोई नहीं है, तो ये कैसी सुरक्षा व्यवस्था है? क्या ये सरकार की शेप है सभी जो आप बात कर रहे हैं, ये पूरा घटनाक्रम रहा है?
देखिए सरकार के ध्यान में हम लाएंगे, क्योंकि हमारे जो संरक्षक हैं वो विधानसभा के अध्यक्ष जी होते हैं। मैं अलग से भी विधानसभा अध्यक्ष जी से मिलकर पूरी बात को उनके सम्मुख रखूंगा, क्योंकि मैं धरने में बैठ गया था, मैं अपनी बात नहीं पहुंचा पाया और पुलिस कर्मियों ने वहां गलत फीडिंग की है, उन्होंने कई गलत किस्म की बातें अंदर कही हैं। मैं अध्यक्ष जी से अपना पक्ष भी रखूंगा और उसके बाद अध्यक्ष जी सुरक्षा कर्मियों ने वही किया जो उनको करना चाहिए था। जी बिल्कुल, उसके जब उनका ये बयान आया उसके बाद ही वार्ता के लिए जो नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश हैं उनको बुलाया गया, उसके साथ ही जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको वहाँ बुलाया गया और वार्ता का दौर जारी है। और अब जैसे कि मैंने पहले कहा, मांग यही है कि एक नज़ीर न बने ये, क्योंकि एक सत्र के दौरान विधायक को रोकना अपने आप में ये गंभीर विषय हो जाता है और इस बात को लेकर ताकि आगे के लिए भी एक मिसाल कायम हो कि अगर किसी तरीके से विधायक का विशेषाधिकार हनन या सत्र में या सदन में जाने से रोका जाता है तो उस पर एक ठोस कार्रवाई हो सके। प्रियांक, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सदन के भीतर विपक्ष जिस तरह से मुद्दे उठाने चाहिए, पिछली बार हमने सत्र में देखा था कि उस तरह से विपक्ष उन मुद्दों को नहीं उठा पाया जिस तरह से सत्ता पक्ष के विधायकों ने अपने ही मंत्रियों को घेरा था, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस बार भी ऐसा ही उनको लग रहा था, तो इसलिए बेहतर है कि भैया धरने के जरिए जो है अपनी जो है खींच मिटा ली जाए। देखिए तिलक, जो पूरा सुबह का घटनाक्रम रहा उसमें जब इंदिरा हृदयेश विधानसभा का जब सत्र 11 बजे चला तो अंदर चले गए थे, बाद में उन्हें जैसे ही ये सूचना मिली तो क्योंकि और विधायक बाहर आ गए थे, प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह भी जब अंदर सदन के अंदर जाने के लिए तैयार हो रहे थे तो उन्होंने देखा कि कुछ उनके साथ के विधायक जो हैं यहाँ धरने पर बैठे हैं, तो वो खुद भी यहाँ धरने पर उनके साथ समर्थन देने के लिए बैठ गए। इसके बाद जो और जो बाकी और विधायक थे उन्हें भी ये जानकारी मिली, वो भी सारे यहाँ धरने पे बैठ गए और अपूरा ये घटनाक्रम जो है आगे बढ़ता गया। उसके बाद पुलिस अधिकारी आए, एसएसपी जो है नवीता कुकरेती हैं वो यहाँ मनाने के लिए आए, लेकिन किसी तरीके का कोई प्रभाव जो है वो विपक्ष के विधायकों पर नहीं पड़ा और वो एक सूत्रीय मांग को लेकर डटे हुए थे कि सबसे पहले उन पर ठोस कार्रवाई की जाए जिनके द्वारा ये अभद्रता जो उपनेता प्रतिपक्ष हैं करण महारा उनके साथ की गई है। प्रियांक, एक बात जरा, क्योंकि ममता राकेश और तमाम विधायक हरीश धामी वहां पर बैठे हुए हैं, जरा इनसे ये भी पूछिए कि अब सदन के भीतर जिन मुद्दों को आप लोगों को उठाना है आपको लगता है कि ये वक्त जाया हो रहा है और ऐसे में समाधान क्या है? सत्ता पक्ष मनाने आया, आप मान जाइए, गलती स्वीकार कर ली, बात खत्म करिए, उन मुद्दों को जो उठाना चाहिए सदन के भीतर वक्त क्यों जाया किया जा रहा है, पूछिए जरा विधायकों से। बिल्कुल ये सवाल पूछेंगे हरीश भाई, ये सवाल एक ये भी है कि पूरा सत्ता पक्ष की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री आपके पास आए बात करने के लिए, विधानसभा सचिव आए, वक्त जाया हुआ है, अब क्या जो मुद्दे आज आप लोग उठाने वाले थे अब वो कल एक दिन में अब पूरा एक ये सरकार के सामने कैसे घेरेंगे आप लोग? देखिए कार्य संसदीय मंत्री जी यहाँ आए, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन वो कब आए? 12 बजे आए, क्योंकि प्रश्नकाल का केवल 20 मिनट का समय बचा था, तो कहीं ना कहीं सरकार चाहती है कि न प्रश्नकाल चले न सदन चले। अगर सरकार की मंशा सदन चलाने की होती तो जिसमें करण मेहरा जी धरने पे बैठे उसी समय जो है संसदीय मंत्री जी आते या विधानसभा अध्यक्ष की ओर से कोई प्रतिनिधि आता और वो कहते भाई हमने इसमें तत्काल कार्रवाई कर दी। नहीं, मदन कौशिक जी 11 बजे आए थे कि मदन कौशिक जी जब अंदर जा रहे थे वो सदन के अंदर उस समय वो आए थे मनाने के लिए। नहीं देखिए, मदन कौशिक जी हमारे सामने तो नहीं आए, अगर मदन कौशिक जी आए भी थे, सरकार के प्रवक्ता हैं, तो क्या मदन कौशिक जी ने तत्कालीन कोई डिसीजन दिया? मदन कौशिक जी ने ये कहा कि हम तत्काल जो है इन दोषी व्यक्तियों को निलंबित करते हैं, कोई बड़ी मांग नहीं। सरकार ने जो चाहा वही तो हो गया, अब ये लोग धरने पर बैठ गए, जनता के मुद्दे कौन हो गए? सरकार की मंशा नहीं थी कहीं से कहीं कि सदन चले और करण मेहरा सदन में आए, लेकिन 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 सरकार भी तो यही चाहती थी कि जो आप कह रहे हैं कि सवाल न पूछे जाएं, जो लोकायुक्त का मुद्दा है वो आज 310 के तहत जो आप उठाने वाले थे वो ना आए, तो सरकार की तो मन की हो गई। लेकिन देखिए सरकार की मन की हुई, लेकिन हम अपने आत्मसम्मान के साथ प्रदेश की आम जनता के आत्मसम्मान के लिए बैठे हैं। जब तो फिर उस जनता का क्या जिन्होंने जनप्रतिनिधि बना के भेजा इनको, पूछिए जरा, जो जनप्रतिनिधि बनाकर भेजा है उनकी जनता के मुद्दों का क्या, कौन उठाएगा वो? अगर उसको सम्मान नहीं मिल रहा है, उसके साथ बदतमीजी हो जाती है विधानसभा में, तो आम जनता के मुद्दे, जनता के मुद्दे तो गौण हो गए भाई। जनता के मुद्दे को उठाने के लिए जब जा रहा था उसको अंदर जाने से पहले रोक दिया गया, तो उसमें इस प्रदेश की जनता का भी तो कहीं ना कहीं जो है वो उसका भी अपमान हुआ है भाई। विधायक जनता ने ही तो चुना है,
चाहे रानीखेत का विधायक हो, पूरे प्रदेश की जनता ने जिसको अपना नेता माना है, उसको विधायक चुना है, तो अगर उसके साथ कहीं दुर्व्यवहार होता है, तीन दिन का सत्र था, एक दिन में क्या हासिल करेंगे? आप पूछिए जरा, प्रियांक ये भी पूछ लीजिए। सुना आपने जो विधायक, जी तिलक, जो विधायकों का कहना है, जैसे कि हमने सवाल किया, उनका ये कहना है कि जो विधायक का अपमान, क्योंकि विधायक एक जनप्रतिनिधि होते हैं, विधायक का अपमान प्रदेश की जनता का अपमान है, क्योंकि वो निर्वाचित होकर आते हैं और जनता के जो मुद्दे होते हैं उनको सदन में रखने के लिए आते हैं, खासतौर से तब जब विपक्ष में होते हैं तो पूरे प्रदेश की बात ही आ जाती है और विपक्ष के रूप, पूरे प्रदेश की आवाज़ के रूप में विपक्ष जो है सदन के अंदर पूरे मुद्दों को रखता है। तो ये सरकार पर भी गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं इस पूरे जो घटना क्रम रहा है, और साथ ही जो दोषी हैं, जो दोषी सुरक्षाकर्मी हैं, उनसे भी उन पर भी कार्रवाई की मांग की जा रही है। तिलक, प्रियांक एक बात और आपसे समझना चाहेंगे, ये थोड़ा सा हटकर है, इस धरने के जरिए अपनी ताकत दिखाने की कोशिश तो विपक्ष कर रहा है कि भैया हम 11 हैं, देखिए हमारी ताकत क्या है, क्या इसके जरिए ये संकेत भी देने की कोशिश की जा रही है कि भैया हमारे अंदर फूट नहीं है, या फिर ये एक गुट के विधायक दिखाई दे रहे धरने पर, यह भी स्थिति साफ करिएगा। ये तिलक, जो आज की तस्वीर की मैं बात करूँ, सुबह से पूरा घटनाक्रम रहा, उसमें सबसे पहले जब जैसे ही करण महरा यहाँ आए, उसके बाद जैसे कि मैंने पहले भी कहा अपने पूरे इस जो अभी तक की हमारी बातचीत चली, उसके बाद प्रीतम सिंह को जैसे पता चला, प्रीतम सिंह भी आ गए, गोविंद सिंह कुंजवाल थे वो भी यहाँ आ गए, साथ ही केदारनाथ से विधायक मनोज रावत हैं, चाहे आदेश चौहान हैं, तमाम विधायक आ गए, और बाद में इंदिरा देश जो सदन के अंदर थी वो वॉकआउट करके, जैसे उन्हें जानकारी मिली वो वॉकआउट करके वो भी यहाँ आ गए, और उनके साथ ममता राकेश जो विधायक हैं वो भी यहाँ आ गए। तो ये कहा जा सकता है 10 के 10 विधायक, क्योंकि काजी निज़ामुद्दीन राजस्थान में हैं, वो सदन में कल से ही नहीं है, सदन पूरे जब सत्र चल रहा है, बाकी सभी विधायक जो थे कांग्रेस के वो एकजुट दिखे, और इस धरने के जरिए एक संदेश देने की कोशिश भी की गई कि अगर विपक्ष के विधायकों के साथ अगर उनके जो विशेषाधिकार हनन का मामला आता है, या एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत जो जैसा कि विपक्ष का बार बार कहना है कि लोकतंत्र की हत्या करने का जो इरादा है सरकार का है, उसको लेकर एकजुट दिखे, और सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। प्रियांक एक बात और आपसे समझना चाहेंगे कि सरकार की तरफ से कोई भीतर से संदेश आया है कि किस तरह से मनाया जाएगा, या बातचीत चल रही है, या बातचीत जो है किस हद तक पहुंची कि भैया मामला शांत हो जाए? तिलक, मैंने पहले आपको बताया कि बातचीत का दौर जारी है, विधानसभा अध्यक्ष जो पूरे जब जैसे सत्र स्थगित हुआ उसके बाद से उन्होंने नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश को, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह को, गोविंद सिंह कुंजवाल जो कि वरिष्ठ विधायक हैं और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, उनको विपक्ष की तरफ से बुलाया, साथ ही मदन कौशिक, संसदीय कार्य मंत्री प्रकाश पंत और कई जो सत्ताधारी दल के बड़े नेता हैं वो बैठक कर रहे हैं। फिलहाल आश्वासन ये मिला था कि जो सुरक्षाकर्मी जिन्होंने अभद्रता की है उनको लाइन हाजिर कर दिया जाएगा, लेकिन जो जैसे कि मैंने पहले कहा कि जो विपक्ष है, विपक्ष किसी भी तरीके से इतनी हल्की कार्रवाई को लेकर गंभीर नहीं दिख रहा है, और विपक्ष का ये कहना है कि जो गंभीरता दिखाए सरकार अगर, तो उन्हें सस्पेंड करे ताकि एक नज़ीर पेश हो कि अगर किसी जो विधायक के साथ विधानसभा के द्वार पर इस तरीके की अभद्रता होती है तो उस पर ठोस दंड दिया जाए और एक कार्रवाई के जो सरकार की तरफ से होती है। वीरेंद्र जुड़ चुके हैं हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। वीरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस में आपका। धन्यवाद, धन्यवाद, नमस्कार। वीरेंद्र जी, सर आप विधायकों की एंट्री भी बंद करवा दी क्या आपकी सरकार ने? पहले तो पत्रकारों की एंट्री बंद हुई सचिवालय में, अब विधानसभा में भी एंट्री बंद हो गई क्या? तिलक जी, आप चिंता काहे कर रहे हैं, आप आइए ना, आपको मैं लंदर स्वागत करके लेके जाऊंगा, कहीं कोई ऐसा विषय नहीं है, कोई चिंता का विषय नहीं है, सबका सम्मान है, सबको अंदर आने की जाने की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विषय कुछ नहीं है, विषय को बिल्कुल एकदम हाई थ्रो बना दिया गया कि पता नहीं क्या हो गया। ठीक है, एक सामान्य सी प्रक्रिया थी, पुलिस के अधिकारियों ने अपने सदन में मंत्री ने जाकर वहां पर क्षमा याचना कर ली है और कह भी दिया है कि वे ठीक है, ये गलत हुआ है, हम उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और अभी तक संभवतः हो भी गई होगी, लेकिन उसके बावजूद भी आप इस तरीके की नौटंकी कर रहे हैं, मैं तो उसको नौटंकी कर दूंगा। अगर आपने सदन में नहीं जाना था तो आप ऐसे ही मना कर देते कि हमें सदन का बहिष्कार करना है,
लेकिन आप इस तरीके से सोची समझे करके इसका व्यवधान उत्पन्न करके उसको एक दूसरे तरफ मोड़ दे रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है, कांग्रेस के पास कहने के लिए कुछ नहीं है, अंदर जो है किस मुंह से जाए उसको छुपाने के लिए आप बाहर इस तरीके के बैठ गए, सुबह से लेकर शाम तक आपने वहां पूरा हुड़दंग मचा रखा है। तो आपको ये लग रहा है कि ये स्क्रिप्ट का हिस्सा और ये सारे के सारे जो है स्क्रिप्ट के तहत अपना काम कर रहे हैं, इसलिए जो ताकि सदन के भीतर मुद्दे ना उठे। बिल्कुल, अभी यही तो है ना, सदन की उनको चिंता होती है तो वहाँ माननीय मंत्री जी चले गए हैं, पूरा उनको सारी बातें हो चुकी हैं, उसके बावजूद आप जो है वहाँ पर बिल्कुल आपने घेरा डाल रखा है। समझना चाहिए ना, जो विषय है ठीक है, कर्मचारी ने, पुलिस के अधिकारी सिपाही ने वहाँ पर कोई आपके साथ में आपकी गाड़ी को नहीं जाने दिया है तो ठीक है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, बात संज्ञान में आ गया, तुरंत कार्रवाई होगी, क्योंकि आप विधायक हैं सदन के भाई, आपको जाने से अगर उसने रोका है आपकी गाड़ी को तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, वो भी जानते हैं इस बात को कांग्रेस के लोग। एक विधायक की पीड़ा, वीरेंद्र बिश जी आप तो प्रवक्ता हैं पार्टी के और बहुत लंबे अरसे से अपनी बात को रखते आए हैं, एक छोटी सी बात है, अब अपने विधायक जो हैं अपनी नाराजगी का इजहार करे तो करे कैसे, पहली बात। दूसरी बात ये कि विधायक की पीड़ा जायज क्यों नहीं है भैया, जबकि हमने पिछले सरकार के दौरान देखा कि एक विधायक के ऊपर आरोप लगे रुद्रपुर दंगे के, वो सदन के भीतर तक चला गया, सदन की कार्यवाही तक अटेंड की, फोटो खिंचवा के अपलोड तक कर दी फेसबुक पर, सर पीड़ा कितनी जायज है कि नहीं है बताइए। देखिए मैं कह रहा हूं तिलक जी, मैं आपकी बात का भी सम्मान कर रहा हूं, मैंने विधायकों की बात का भी सम्मान किया है, हमने कहा कि ठीक है आपके साथ एक घटना हुई है, घटना का तुरंत संज्ञान ले लिया गया, सदन से मंत्री उठकर आपके पास चला गया है, आपको आश्वासन दे दिया गया है, उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे और आपकी जो है आपका सम्मान रखा जाएगा, ये घटना जो है निंदनीय है, सबने उसकी जो है निंदा भी कर ली है, लेकिन उसके बावजूद आप जो है सदन में जाने को तैयार नहीं है, तो इसके पीछे आप क्या मतलब, देखो कुछ तिलक जी का कोई घटना हो गई है, घटना को तो रोक नहीं सकते थे ना, घटना होने के बाद तो आदमी उसकी घटना के बाद कार्रवाई करने की बात कर सकता है, जांच करने की बात कर सकता है, रिपोर्ट लिखने की बात कर सकता है, तो इस बात पर तो आपको तैयार होना पड़ेगा कि नहीं, आप विधायक है भाई, सम्मानित है, आप विधायक कार्य कर रहे हैं, तो आप इन चीजों को अगर नहीं मानेंगे, आप इन इस पर विश्वास नहीं करेंगे और आप हठधर्मिता से जो है बाहर बैठकर जो है अपनी पब्लिसिटी के लिए, मतलब एक वैसी पब्लिसिटी है कि कोई इश्यू नहीं है आपके पास सदन के लिए। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र सिंह बिष्ट हमारे साथ जुड़े हुए थे, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी की ओर से, जिनका कहना यह है कि विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है, मुद्दे विहीन है, जो मुद्दे उठाने चाहिए सदन के भीतर उन मुद्दों को उठाने की बजाय सड़क पर नौटंकी की जा रही है जो कि जायज नहीं है और पब्लिसिटी स्टंट करार दिया जा रहा है बीजेपी की ओर से। तो यानी सत्र के दौरान संग्राम की उम्मीद थी लेकिन सड़क के ऊपर से यह संग्राम होगा यह मालूम नहीं था, अब फिलहाल देखते हैं कि आखिरकार इस मुद्दे का निष्कर्ष क्या निकलता है, लेकिन इतना जरूर है कि इस महाभारत के बीच में अगर किसी के मुद्दों पर हथौड़ा चला तो वो जनता के मुद्दे थे। फिलहाल प्रियांक आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला इंडिया वॉइस पर जारी रहेगा, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।